Hello everyone, our today's topic is pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word used instead of a noun. यानी कि noun की जगह जो words हम use करते हैं उन्हें हम pronoun कहते हैं. For example, Hari is absent because Hari is ill. Hari absent है क्योंकि Hari बीमार है. अब better है कि avoid repetition of Hari. हम हरी को रिपीट ना करके उसकी जगह पर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. सो द सेंटेंस इज़ नाउ हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. हेयर यू कैन सी ही इज़ हाईलाइटेड, दैट इज़ अ प्रोनाउन विच वी यूज़ फॉर हरी. ओके, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन वी हैव? वी हैव मैनी टाइप ऑफ प्रोनाउंस. द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन, लाइक I, we, you, he, she, it, they are called personal pronouns because they all stand for three persons. What kind of three persons? The first person, the second person, and the third person. The first person is always the person who is speaking, and the second person to whom is listening, and the third person to whom we are talking about. यानी कि first person वो person होता है जिसके लिए जो बात कर रहा है, second person वो होता है जो सुन रहा है, और third person वो होता है जिसके लिए हम बात करते हैं. ठीक है, तो personal pronoun depend करते हैं कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है. इसके examples देख लेते हैं. First person सिंगुलर में मतलब अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है यानी कि जो बोल रहा है वो सिंगुलर है तो उसके लिए क्या यूज़ हो सकता है? आई, माइन, माई, मी. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन नेचुरली अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं ही फर्स्ट पर्सन होंगी क्योंकि आई एम स्पीकिंग. सो आई यूज़ फॉर मी आई. मैं अपना नाम नहीं लूँगी, उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करूँगी आई. अगर मैं अपने साथ एक बंदा और है या कोई और दो लोग बोल रहे हैं या ज़्यादा दो से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो हम उसके लिए प्लूरल फॉर्म लेंगे, दैट इज़ वी, आर्स, आवर एंड अस. नाउ कम टू द सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन इज़ ऑलवेज अ लिसनर, और जो भी लिसनर होता है बच्चे वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. एंड यू इज़ द ओनली वर्ड विच वी यूज़ फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. सो द सेकेंड पर्सन्स प्रोनाउन विल बी You, your, yours. Now, the third person. Third person जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, it may be he, she. ठीक है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? He, his, him. ये हम मेल के लिए यूज़ करते हैं. She, her. हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं. It, its. हम लोग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. अब एग्जांपल देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के. द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, माइन, माई, मी. प्लूरल में वी, अवर, अवर, अस. सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स. एंड थर्ड पर्सन में सिंगुलर में होगा ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स. और प्लूरल में क्या हो जाएगा? ही, हिज, हिम की जगह हम दे, देयर, देम यूज़ करेंगे. और ये मेल, फीमेल दोनों के लिए होगा और थिंग्स के लिए भी. तो जब हम थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल यूज़ करेंगे प्रोनाउन को तो वो दे, देयर, देम तीनों के लिए ही यूज़ होगा. सेंटेंस विद पर्सनल प्रोनाउंस. अब इसके साथ सेंटेंस देख लेते हैं कैसे होते हैं. दिस इज़ माय बुक. नाउ यू कैन सी माय इज़ हाईलाइटेड. तो माय जो है वो इसमें पर्सनल प्रोनाउन है. यू आर रॉन्ग. फर्स्ट पर्सन इसमें माय है क्योंकि मैं अपनी बुक के बारे में बात कर रही हूँ. तो दिस इज़ माय बुक, सो इट इज़ फर्स्ट पर्सन. यू आर रॉन्ग. यू आर रॉन्ग में आप देख रहे हैं कि यू जो है वो प्रोनाउन यूज हुआ है और यू जो है वो सेकेंड पर्सन है क्योंकि मैं बोल रही हूँ. यू आर रॉन्ग. शी इज़ ईटिंग मील. सो नाउ इन दिस सेंटेंस वी आर टेलिंग अबाउट समबडी. हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे शी इज़ ईटिंग मील. तो शी इसमें क्या है? प्रोनाउन. नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इट्सेल्फ. यानी कि जो एक्शन सब्जेक्ट अपने लिए करता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो अपने द्वारा जो भी एक्शन करेगा वो उसको रिफ्लेक्स करता है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स प्रोनाउन. तो इसमें हम सेल्फ ऐड कर देते हैं.
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, माई, योर, हिम, हर, इट, ये सारे आपके प्रोनाउन हैं, पर्सनल प्रोनाउन हैं। जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाते हैं तो इनके साथ हम सेल्फ और सेल्फ लगा देते हैं। सेल्फ लगता है हमारा माई के साथ, योर के साथ, हिम के साथ, हर के साथ, इट के साथ, और सेल्फ लग जाता है अवर के साथ, देम के साथ और योर के साथ। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, आई मतलब मैंने अपने लिए प्रोनाउन यूज़ किया आई हर्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें आया माई सेल्फ, मैंने अपने आप को नुकसान पहुँचाया। तो ये जो अपने आप वर्ड आ जाता है इसमें हम सेल्फ ऐड कर देते हैं माई के साथ, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे हर्ट देम सेल्फ्स, उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुँचाया। अब यहाँ भी वर्ड यूज़ हो रहा है अपने आप, जो अपने आप वर्ड है तो उसमें हम देम के साथ सेल्फ्स लगा देते हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा हैं। अब आते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, समटाइम्स अ प्रोनाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, दे आर यूज्ड इन जनरल वे, सच प्रोनाउन्स आर नॉन एज इनडेफिनिट प्रोनाउन्स। कई बार होते हैं प्रोनाउन को हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के लिए नहीं बोलते हैं, वो किसी के लिए भी हम बोल सकते हैं, तो वो कौन से प्रोनाउन होते हैं, लेट्स सी। अब इसमें आपके प्रोनाउन आते हैं ऑल, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, सम, नन, एटसेट्रा। अब इनके साथ ही हम सेंटेंस देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ कैसे होते हैं। नोबडी कैन हेल्प यू इन द इश्यू, मतलब इस इशू में तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अब जो कोई वर्ड है वो हम इसमें नोबडी यूज़ करें, दैट इज़ इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि हमें नहीं पता कि कौन हेल्प करेगा, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया नोबडी। डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, क्या तुमने किसी के लिए, किसी को आने के लिए कहा, किसी वर्ड जो है वो हमें नहीं पता किसी को बोला है नहीं बोला, किसी कौन, तो उसके लिए हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया दैट इज़ एनीबडी, दैट इज़ इनडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, तो यहाँ पर भी हमने वर्ड यूज़ किया है समबडी, दैट इज़ इनडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ कम टू द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है बहुत ईजी है, इसमें हमारे सिर्फ दो ही प्रोनाउन आते हैं, दिस एंड दैट, और उसका जब हम प्लूरल कर देते हैं तो दीज एंड दोज, दिस दैट दीज दोज, यही हमारे सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज़ माई बुक, हेयर दिस इज़ प्रोनाउन, दीज आर माई बुक्स, तो दीज इसमें प्रोनाउन है, दैट मैन इज़ हैंडसम, तो दैट इसमें प्रोनाउन है, दोज मैन आर हैंडसम, तो दोज इसमें प्रोनाउन है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव, जैसे कि आपको पहले ही पता लग रहा है कि क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नवाचक, यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। द प्रोनाउन दैट आर यूज आर आस्किंग क्वेश्चन इज नॉन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, तो वो प्रोनाउन जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, व्हाट, हू, विच, हूज, हूम, एटसेट्रा। नाउ द एग्जांपल ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हु इज़ देयर, हु इज़ देयर, मतलब वहाँ कौन है, कौन जो है वो हमने प्रोनाउन यूज़ किया, एंड फॉर दिस प्रोनाउन वी आर यूजिंग हु। व्हाट डू यू वॉन्ट, व्हाट, आपको क्या चाहिए, जो क्या वर्ड है वो इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच आर योर बुक्स, तुम्हारी बुक्स कौन सी हैं, तो जो कौन सा वर्ड आ गया वो इसमें प्रोनाउन है, और इसमें सब में हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। होम डिड यू सी, और आपने किसको देखा, जो किसको वर्ड है उसके लिए भी हमने प्रोनाउन किया है यूज होम। नाउ द पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन होता है जो आपकी बिलोंगिंग्स को आपके साथ बताता है, जो आपके बिलोंगिंग्स हैं जिनके ऊपर आपका अधिकार होता है उनको हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। द प्रोनाउन विच शोज द पोजेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन, जो आपकी ऑनरशिप बताता है, आपका अधिकार बताता है कि ये आपकी चीज़ है। तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं, माई, माइन, हर्स, योर्स, अवर्स, एटसेट्रा। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, माई बुक जो है इसमें माई वर्ड जो है वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस कार इज़ माइन, ये मेरी कार है, तो इसमें मेरा अधिकार उसके ऊपर सिद्ध हो रहा है कि मेरी कार है, तो हमने उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया, माइन, तो दैट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। दिस हाउस इज़ योर्स, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, तो योर्स जो हो गया इसमें पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। दैट बुक इज़ हर्स, ये बुक उसकी है, इसमें गर्ल है,
उसी के लिए हमने हर यूज़ किया, तो उसमें पोजेसिव प्रोनाउन में हर्स लगेगा। नॉर्मल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि इसमें आप योर के साथ, हर के साथ, इट के साथ एस लगा देते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द प्रोनाउंस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।